हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन कैसे भरा जाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्च करना है हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स। हमारे पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा ऑनलाइन ulbharyana.government.in। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। देन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा। तो MC टाइप करेंगे। सबसे पहले MC का मतलब है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल एंड कमेटी। देन MC टाइप करेंगे। MC का मीन्स है नेम ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कौन सी म्यूनसिपल है आपकी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इनमें से। तो मैं अम्बाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपका लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अम्बाला का पेज ओपन हो जाएगा। देन जोन सेलेक्ट करेंगे। जोन 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, हमारा 1 ही है तो मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड अदर। सेलेक्ट करने के बाद वार्ड नंबर के बाद आपकी लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन का मीन्स है कि आपका कौन सा मोहल्ला या एरिया है। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो यहाँ पे आपका विलेज ही शो होगा। देन लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी आईडी आपके घर के बाहर लिखी होती है। प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद नीचे डिटेल आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। देन व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। सेंड OTP मतलब कि जो भी आपका मोबाइल नंबर MC में रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आप अपडेट नंबर पे क्लिक करके उसे बदल सकते हैं। देन उसके लिए आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच करना होगा जैसे कि आधार कार्ड और रजिस्ट्री प्रूफ। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और थोड़ी ही देर में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। देन जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आ जाएगी विद अमाउंट। देन एग्जैक्टली यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन होगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास इस तरह की रसीद आ जाएगी जिसे आप प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।